सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आज है डेट कितनी है भूल गया, सॉरी आज है 3 नवंबर 2023। सो आज बेसिकली मेरे कॉलेज में दिवाली से पहले का लास्ट डे है, होप सो लास्ट डे हो कॉलेज में, ठीक है। सो मैं अपने दोस्तों से मिलूँगा, उनको बाय बाय करूँगा और विश करूँगा हैप्पी दिवाली। सो चलते हैं फटाफट से कॉलेज। मतलब गाइस मेरी कल की ट्रेन है, सैटरडे की 7:30 बजे की ट्रेन है मेरी घर जाने की यूपी। अभी मैं दिल्ली में, बेसिकली आप सभी को पता होगा, तो यूपी जाने की मेरी सैटरडे को ट्रेन है 7:30 बजे। आज फ्राइडे है और फ्राइडे है तो 6:45 इस टाइम फ़िलहाल जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ। 6:30 में मैं उठा था, गीज़र चला के आया, ब्रश किया और थोड़ी नींद में भी, नींद से भी जगने में भी थोड़े 5-10 मिनट लगते हैं मेरे को। आँख भी दिख रही हूँ कैसी हो रही है आँख आज मेरी, क्योंकि नींद नहीं हुई पूरी मेरी। अभी मैं कपड़े मशीन में डाल के फिर दोबारा सो जाऊँगा, फिर 9:30 बजे उठता हूँ, बहुत ही नींद आ रही है। और फिर दोस्तों साथ बाय भी करना है यार, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक। मुझे घर पे ही मिलना है घर वालों से, उनकी भी याद आ रही है, फिर दोस्तों की याद आएगी यार क्या है। मुझे ना अटैचमेंट ज़्यादा जल्दी हो जाता है तो यही कर सकते। सो गाइज अभी मैं सोकर उठ गया हूँ, अभी बज रहे हैं कितने, अभी बज रहे हैं 9:30, जैसे आपको दिखा दूँ आपको यकीन ना हो रहा हो, 9:30 बज रहे हैं। अरे कैसे यकीन दिलाऊँ, 9:30 ही हो रहे हैं भैया, ठीक है 9:30 नहीं, मतलब कि पूरी तरीके से 9:30 नहीं, 9:40 कुछ ऐसे हो रहे हैं, 9:43 करके। सो अभी मैं उठ गया हूँ, अभी नहीं बल्कि मैं 9 बजे उठ गया था, नाश्ता कर लिया मैंने और कपड़े में देख के आया था कि कपड़े धुल चुके थे मेरे सारे पूरी तरीके से, वॉश रिंस स्पिन सब हो गए थे। बट मेरी की गलती हो गई, जहाँ पे लड़का काम करता है ना वो दोबारा से स्टार्ट करा है, मैंने कहा एक बार चेक कर गई चल रहे ये बंदे, तो वो गया तो कह रहा भैया वो बंद थी मैं चला आया यार। मैंने कि शिट यार, फिर मैं दोबारा गया फिर देखा उसको स्पिन किया, फिर आया यहाँ पर नाश्ता करा, अब मैं जा रहा हूँ कपड़े सुखाने ऊपर, फिर जाता हूँ मैं कॉलेज। और ये शर्ट मैंने पहनी है, शर्ट इसलिए पहनी वाली क्योंकि मेरे पे आपको शर्ट नहीं बची थी क्योंकि सारे कपड़े धुलने गए, अब यही कपड़े बचे थे तो यही पहन के आया हूँ। तो और मैंने बचे हुए जो शर्ट्स थे वो मेरे पैकिंग में पैक कर दिए हैं, इसलिए मैं उन पैकिंग को नहीं ख़राब करने चाह रहा क्योंकि बड़ी मुश्किल से पैक हुआ है। तो जाते हैं कॉलेज से, जाते हैं पहले रूफ पे कपड़े सुखाने, फिर जाते हैं कॉलेज दोस्तों को मिलने और पढ़ने, अटेंडेंस लगाने और दोस्तों को बोलने। मतलब गाइस ऊपर जो डोर होता है ना, डोर को लॉक करने वाला, वो लॉक हो गया, मतलब कि खुल नहीं रहा था चमका के, क्योंकि बच्चे खटखट कर रहे थे। मैंने कहा देखो कौन है बाहर, फिर गेट लग गया, खोलने की कोशिश कर रहा सो गाइस आज मैं लास्ट डे है, सो मैं दोस्तों से बाय करके जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों कुछ बोलो, सो गाइज मैं जा रहा हूँ और हम दोनों का पीछे आस पास ही है, एक साथ जा रहे हैं। और गाइज मुझे थोड़ा सा फीलिंग, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक राइट नाउ क्योंकि मुझे घर जाने की खुशी भी है और यहाँ से दोस्तों से भी चंडी का दुख भी है। अब बताओ क्या कर सकते हैं, जो आस होगा इन्जॉय करनी चाहिए लाइफ को, लाइफ में दुख नहीं लानी चाहिए, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए हमेशा। मेरा नाम खुशांक है तो मैं अपने नाम का सम्मान कर रहा हूँ। गाइज मैं आ गया, यार
गाइस ना जाने मेरे को क्यों इतना बुरा लग रहा है। अपने दोस्तों से मेरी मुलाकात लगभग 2 महीने पहले हुई है। लाइक इन लोगों से मैं इतना अटैच हो गया, इतना अटैच कि मुझे वैसा लग रहा है मतलब कि मेरे बचपन के दोस्त हैं। खैर मैं रो नहीं रहा, थोड़ी पता नहीं क्या जुकाम से हो गया, पॉल्यूशन बहुत है ना उसकी वजह से। तो दोस्तों मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी दोस्तों तुम्हारी, तुम जैसे चुटियों का सहारा है दोस्तों, दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। So, मिलते हैं दिवाली के बाद और फिर तो फिर आते जाते रहते हैं ना, मतलब कि मुझे फील ऐसे नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है क्योंकि पहले भी गए थे, पहले नहीं हुआ था ऐसा बट अब हो रहा है पता नहीं क्यों। कैसा हो गया कभी नॉस्टैल्जिया फील, हमारा वेट करते हुए। अरुण में जा रहा हूँ कल जा रहा हूँ मैं। ये क्या है, दिमाग से खराब सो रहा है मतलब। हमने कुछ दोस्तों को भाई भी नहीं कर पाए क्योंकि वो अपने अलग मजे में मस्त रहते हैं। अब मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता भाई, सो आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसा करना चाहिए। दैट्स वाई मुझे नहीं लगता कि सही है कि फोर्स से बनाया हुआ रिश्ता नहीं काम आता भाई कहीं भी। सो सोचा मैंने लेट देम go and move on in your life, jo karna hai wo karo seedhi si baat ye। so guys to main college se aa gaya aur mujhe waqai mein bahut hi ajeeb lag raha hai ki mujhe kal saturday ko 4th november 2023 ko jana padega mujhe apne ghar, aur main excited bhi ghar jane ke liye kuch sad bahut sad bhi hu। ab jaise ghar se aaunga main jab bhi excited rahunga aur sad bhi rahunga kyunki ghar walon se दूर जा रहा हूँ और दोस्तों के पास भी आ रहा हूँ, तो वैसे ही मुझे यहाँ से जाने में भी दुख लग रहा है क्योंकि यहाँ से दोस्तों से दूर जा रहा हूँ। लाइक होता है ना कुछ कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बहुत कम टाइम में, मतलब कि हम दोस्तों की लड़ाई भी हुई झगड़े भी हुए हैं बट आफ्टर ऑल फ्रेंड्स यार क्या कर सकते हैं। बट दोस्ती में अगर एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्ती में बिना एफर्ट्स के दोस्ती नहीं चलती है। एफर्ट्स दोनों तरफ से डालने चाहिए लोगों को जो भी दोस्ती करता है, ठीक है। अब दोस्त एक तरफ से दोस्ती जाएगी तो मेरे ख्याल से तो नहीं चलने वाली भाई दोस्ती। मैंने सीखा कि किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए दोस्त रहने के लिए, दोस्त बनने के लिए, ठीक है। दोस्त जो होता है वो खुद ही टाइम निकालता है अपने दोस्त के लिए, बट मैंने मेरा दोस्त है लाइक शिवांशु, खुशी, मनीषा और भी लोग, मेरा तीनों से अच्छा बॉन्ड हो गया, मतलब एक शहजाद भी उससे भी अच्छा बॉन्ड है पर वो थोड़ा बिजी रहता है। खैर मेरा इन तीनों से तो बॉन्ड ज़्यादा अच्छा हो गया है इन 2 महीनों में। लक्ष्य वांशु तो सितंबर में आया था, लाइक सितंबर में आई थिंक 12 सितंबर को हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, लाइक आमने सामने फेस टू फेस बात हुई। मतलब कि इसको छोड़ना ये जो कॉलर है क्योंकि कॉलर का बटन टूट गया मेरा। कॉलेज में गया था मैं आज कॉलेज में, मतलब कि इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले भाई, आपकी जीन्स अच्छी लग रही, आपके बूट्स अच्छे लग रहे हैं, आपकी शर्ट्स अच्छी लग रही, शर्ट का तो इतना ही बुरा हाल हो गया कि इसके बटन ही टूट के निकल गया। खैर कोई नहीं, ठंडों का इंतज़ार है, ठंड आने वाली है। आज दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा था कि बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल का, मतलब कि अभी भी कोहरा हो रहा है, दिखाता हूँ एक सेकंड रुको आपको, सूरज भी साफ नहीं दिख रहा। लाइक सूरज भी इतना ब्लर आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, ब्लर मतलब ब्लर हो ही रहा है, आ नहीं रहा, ठीक है ना, हमने करा थोड़ी नहीं ब्लर, वो तो है ही, आ रहा है तो आ रहा है। शिवांशु, खुशी एंड मनीषा, आई होप आप तीनों अपनी दिवाली अच्छी बनाएं, इन्जॉय करें, और सभी दोस्त मेरे सारे दिवाली को एंजॉय करें, मस्त मलाई मक्खन खाएं। ओके ठीक है ठीक है ठीक ही होगा, ओके बाय। अच्छा यार मिस कर गए ये सारी मेमोरी, तो चलते हैं बंद करते हैं कैमरा, फटाफट नीचे आते हैं, खाना वाना खाते हैं। मैंने यहाँ पे कपड़े सूख रहे थे तो कपड़े लेने आए, मैं कपड़े पलटने आया था जिससे कि मैं कल जा चुका आराम से, कल सुबह 7 बजे की ट्रेन है, शिवांशु कह रहा था ट्रेन कितने बजे की है, मीनिंग 7 बजे की, तो बोलते हैं बहुत जल्दी वरना मैं आ जाता, कोई बात नहीं भाई समझ सकता हूँ। गाइस अभी पता कितने बज रहे हैं, जस्ट एक सेकंड 11:36 भाई साहब, 11:35 पे अप्रोक्स, दिख रही बेल्ट
लाइक सारा कुछ यहाँ पे हिल रहा है जोर से, मैं सच में यकीन नहीं मान रहा लेटा हुआ था यहाँ पे। और से भाई साहब यहाँ पे दिल्ली में आके मुझे सब कुछ एहसास हो गया। मैंने सोच आज से मतलब कि यूपी में रह गए, आज से मैं अर्थक्वेक महसूस ही नहीं किया। मतलब यहाँ पे लेट जिस पेड़ पे मुझे लेटता हूँ इस डायरेक्शन में हमेशा हिल जाता हूँ, मतलब क्या दिक्कत है। लाइक भाई क्या है ड्रामा है, और कंटिन्यूसली मतलब कि 15 सेकंड आता रहा, 15 सेकंड 15 से 20 सेकंड आता रहा है। मैं उठ के यहाँ से बाहर गया, फिर दोबारा अंदर आया, चश्मा पहना, फिर दोबारा बाहर गया। जब भी आ रहा था ऐसे ऐसे बाहर झूमर ना हिल रहा था जोर से, बड़ो बड़ो क्या ही ड्रामा है। सोते हैं फटाफट से, देखते हैं कल यार, कल घर तो जा पाऊंगा ना। पीछे में घर गिर जाए। YouTube चैनल क्या। सो गाइस ये है मेरा नेक्स्ट डे, यानी आज है 4th November 2023। सो आज फाइनली पे घर जा रहा हूँ, ये लाइक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब सुबह की पता है, मैं सुबह 3 बजे उठ गया था, मतलब इतनी 2:45 उठा था, फिर 3 बजे सोया था मैं, क्योंकि पता है नींद ही नहीं आ रही थी एक्साइटमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा। फिर अभी मैं 6 बजे उठ गया हूँ, थोड़ा बहुत ब्रश व्रश करता हूँ, फिर ट्रेन के लिए चलता हूँ। ट्रेन की टिकट कन्फर्म हो गई है, और फटाफट से पहुँच से ट्रेन पे, और फटाफट से जाते हैं घर। हो जाता है ट्रेन में मैंने ब्लॉग बनाया था, जैसे कि आपने देखा है वो। बस रिक्शा मिल जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जा रहे हैं हम।